नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गगन और आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि आखिर ये गाड़ी में गियर बॉक्स की जरूरत क्या होती है और ये गियर रेशियोज क्या होते हैं। काफी सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता होगा कभी ना कभी कि आखिर गियर बॉक्स गाड़ी में क्यों दिया जाता है, इंजन सीधा गाड़ी को पावर नहीं दे सकता है क्या, क्या इंजन से पावर सीधी गाड़ी के एक्सल से होते हुए टायर्स में नहीं जा सकती है क्या, क्यों गियर बॉक्स की रिक्वायरमेंट होती है, गियर बॉक्स में गियर्स अलग अलग क्यों होते हैं, किसी में चार होते हैं, किसी में पांच, किसी में छह, किसी में सात, किसी में आठ, किसी में नौ, आजकल तो 10-10 गियर वाली गाड़ियां भी आने लगी है। तो ऐसा क्यों होता है, अलग अलग गियर्स क्यों हैं, क्या ज्यादा गियर से क्या फर्क पड़ता है, कम से क्या फर्क पड़ता है, गियर रेशियोज क्या होते हैं, सब चीजों की बात करते हैं इस वीडियो में। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बेसिक वीडियो होगा जो जानना चाहते हैं कि सीवीटी, एएमटी, ऑटोमेटिक, DSG ड्यूअल क्लच ऑटोमेटिक, इन सब गियर बॉक्स में डिफरेंस क्या होता है। तो पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आने वाले दिनों में CVT वगैरह भी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। सबसे पहले एक बात को जान लीजिए कि एक कार जो होती है वो काफी हैवी होती है। एक कार को चलाने के लिए एक इंजन चाहिए होता है और उस हैवी कार को स्टार्ट करके पिक करना भी उसी इंजन का काम होगा जिस इंजन को उस गाड़ी को तेज स्पीड पे एक्सेलरेट करना है। तो एक ही इंजन को गाड़ी को तेज स्पीड पे भी चलाना है और एक्सेलरेट भी करना है। और एक इंजन जो होता है वो एक लिमिटेड पावर बैंड में ही ढंग से काम करता है। वो ऐसा नहीं है कि शुरू किया इंजन आपने वहां से लेके जहां तक उसके हाई RPM है तब तक वो सेम पावर टॉर्क डिलीवर करेगा, नहीं। इंजन जो होता है वो एक लिमिटेड पावर बैंड में ही पावर सप्लाई कर पाता है। तो कैसे एक कार को हमेशा उस पावर बैंड में रखा जाए शुरुआत से लेके एंड तक, ये काम होता है गियर बॉक्स का। एक गियर बॉक्स जो है वो इंजन के आउटपुट और एक्सेल से बीच में लगा होता है। इन दोनों के बीच में लगे होने के कारण उसको ट्रांसमिशन बॉक्स भी कहा जाता है। और ये सिंपली ये काम करता है कि इंजन से आने वाली पावर को अलग अलग टॉर्क, अलग अलग पावर पॉइंट, अलग अलग स्पीड्स में डिवाइड करके उसे एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बनाता है, ठीक है, ताकि इंजन हर बार एक ही पावर पॉइंट के अंदर चलता रहे लेकिन स्पीड और टॉर्क वेरी करता रहे। ये काम होता है गियर बॉक्स का। तो अब बात करते हैं गियर बॉक्स की ढांचे की। तो गियर बॉक्स जो है या फिर गियर बॉक्स या फिर ट्रांसमिशन बॉक्स जो है वो मेनली दो शाफ्ट का होता है, दो शाफ्ट के ऊपर पूरा बना हुआ होता है। आप इस शाफ्ट को कुछ इस ओरिएंटेशन में मान लीजिए, ये जो शाफ्ट है ये इंजन से आ रही है और ये जो शाफ्ट है ये जा रही है व्हील्स की तरफ, ठीक है। ये शाफ्ट कुछ यूं लगी हुई है, एक बार सपोज कर लीजिए। इस शाफ्ट पे अलग अलग गियर्स लगे होते हैं, गियर प्लेट्स लगी होती है जो कि कुछ इस तरीके की दिखती है। ये गियर प्लेट्स जो होती है वो साइज में अलग अलग होती है, कुछ छोटी होगी कुछ बड़ी होंगी। इनके रेडियस में फर्क होता है, सेंटर से जितना दूर रेडियस होगा उतने ही ज्यादा टीथ होते हैं इस गियर प्लेट में। टीथ जो ये एंड पे नुकीले नुकीले पार्ट दिख रहे हैं ये टीथ्स होते हैं। जितने ज्यादा टीथ होंगे उतना ही ज्यादा ये टॉर्क के मामले में डिफरेंस क्रिएट करेंगे। क्या डिफरेंस क्रिएट करेंगे वो हम आगे बताते हैं आपको। तो अभी मान लीजिए ये अलग अलग गियर प्लेट्स जो है वो लगी होती है दोनों पे, इनपुट शाफ्ट पे भी और आउटपुट शाफ्ट पे भी। अब जो इनपुट शाफ्ट है उसको, उसके ऊपर लगे हुए गियर्स को ड्राइवर गियर्स कहते हैं। ड्राइवर गियर इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि आखिर इंजन से ही पावर आ रही है तो वही ड्राइव कर रहा है, तो इसीलिए उसको ड्राइवर गियर्स कहते हैं जो इनपुट शाफ्ट पे लगे होते हैं। और जो आउटपुट शाफ्ट पे लगे होते हैं यानी कि जो व्हील्स और एक्सल में जा रही है उस शाफ्ट पे जो लगे होते हैं उनको कहते हैं ड्रिवन गियर्स। ड्रिवन गियर्स इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ड्राइवर गियर जिसे चला रहा है, ड्राइवर गियर्स के कारण तो ये असली पावर तो यहीं से आ रही है, तो इसके बाद आगे जाने वाले जो भी जिसको ड्राइव कर रहा है उसको ड्रिवन गियर्स कहते हैं। तो एक सिंपल सा लॉजिक है, इनपुट शाफ्ट पे लगे हुए ड्राइवर गियर्स होते हैं, आउटपुट शाफ्ट पे लगे हुए ड्रिवन गियर्स होते हैं। अब आपको एक टर्म सुनने को मिलेगा गियर रेशियो, उसके बारे में थोड़ा समझाते हैं। गियर रेशियोज का मतलब होता है ड्रिवन गियर और ड्राइवर गियर के बीच का रेशियो। तो ड्रिवन गियर डिवाइडेड बाय ड्राइवर गियर जो आंसर आ रहा है वो होता है रेशियो, गियर रेशियो। अब मान लीजिए आउटपुट शाफ्ट पे लगा हुआ जो ड्रिवन गियर है वो ड्रिवन गियर इनपुट शाफ्ट पे लगे हुए ड्रिवन गियर के मुकाबले बड़ा है, ठीक है। तो 35 टीथ है ड्रिवन गियर पे और 10 टीथ है ड्राइवर गियर पे। तो डिवाइड करके जब हम आंसर निकालते हैं तो आंसर आता है 3.5, यानी कि 3.5:1 का रेशियो यहाँ पे बन रहा है। इस 3.5:1 के रेशियो को मैं समझाता हूँ आपको। 3.5 का मतलब है कि जो ड्राइवर गियर है वो अगर 3.5 बार अपना रोटेशन कंप्लीट करेगा तब जाके जो आउटपुट शाफ्ट पे लगा हुआ ड्रिवन गियर है वो एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो स्पीड इनपुट की तो ज्यादा है लेकिन आउटपुट की कम है, लेकिन यहाँ पे टॉर्क का मसला है। टॉर्क जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है इस सिचुएशन में। कैसे, कि जब ये जब यहाँ पे इनपुट में अगर 10 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है
तो आउटपुट में जाते वक्त वो 3.5 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, यानी कि 10 से सीधा 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क बन जाएगा। इसीलिए फर्स्ट गियर में टॉर्क ज्यादा होता है। उसके बाद जब सेकंड गियर वाले कॉम्बिनेशन पे हम आते हैं, तो अब आप देखिए जो इनपुट शाफ्ट जो है, जहां पे ड्राइवर गियर जो है उसके वाले सेकंड उसके एक और गियर प्लेट पे अब 10 की जगह 15 टीथ है, और जो आउटपुट शाफ्ट है जहां पे ड्रिवन गियर लगा है वहां पे 35 से अब सिर्फ 30 रह गए। तो फिर से आप निकालिए अब इसका रेशियो, तो 30/15 करेंगे तो आपके पास 2 आएगा, तो 2:1 का रेशियो हो गया। इसका मतलब क्या है कि अब अगर इनपुट गियर 2 राउंड निकाल रहा है तो आउटपुट गियर का 1 राउंड हो जाता है। पहले 3.5 राउंद निकालने पर एक हो रहा था, अब 2 राउंड नहीं हो रहा है, तो स्पीड का डिफरेंस कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे टॉर्क भी कम हो रहा है। पहले 10 न्यूटन मीटर आ रहा था और 35 हो रहा था, लेकिन अब 10 न्यूटन मीटर आ रहा है और सिर्फ 20 न्यूटन मीटर बन रहा है। लेकिन क्योंकि गाड़ी एक्सेलरेशन में है तो उसे इतना टॉर्क की जरूरत नहीं पड़ती है, अब जरूरत पड़ रही है उसको ज्यादा आरपीएम यानी कि ज्यादा स्पीड की, ज्यादा हॉर्स पावर की, तो वो उसको मिल रहा है इन टॉर्क रेशियो से। तो जैसे जैसे हम आगे आगे गियर शिफ्ट करते जाएंगे, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, तब क्या होता जाएगा कि जो स्पीड का डिफरेंस आ रहा है ये कम होता जाएगा। तो बस ये समझ लीजिए कि जो छोटा गियर है उसमें ड्राइवर गियर की जो टीथ है वो होंगे कम और ड्रिवन गियर के टीथ होंगे ज्यादा, जिसके कारण टॉर्क मल्टीप्लाई हो जाएगा लेकिन स्पीड कम रहेगी, और फिर धीरे 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 स्पीड मैचअप करती रहती है और टॉर्क जो है वो कम होता जाता है या फिर मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया है, अगर आपको समझ नहीं आया है कि गियर बॉक्स क्या होता है, क्या काम होता है उसका और गियर रेशियोस क्या होते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा उसे आंसर करने की। और अगर आपको समझ आ गया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो वो बेल आइकन भी दबा दीजिए। मैं आपके लिए रोजाना एक नई वीडियो लाता रहता हूँ। अगली वीडियो तक के लिए सुरक्षित चलिए, सीट बेल्ट पहनिए। धन्यवाद।